एको हम बहु श्याम, वो एक अनेक हो जाता है। ये यहां का सत्य है। इस धरती का पहला सच ये है कि यहां एक से अनेक होना है, एक बीज से अनेक रूप, अनेक रूप, अनेकता, बहुरूपता, वैविध्यता, बहुविधता, बहुरूपता। तो एक चीज बहुत घट रही है, एक छोटा सा छोटा नगण्य कोई अणु अपने में टूट टूट कर वो बहुत रूपों में बढ़ता है। एक छोटा ऊतक, एक छोटी कोशिका, एक नन्ना सा रक्त कण, एक सूक्ष्म सूक्ष्म एक अंतर का हमारा तंतु बढ़ता है, बिखरता है, विस्तार पाता है। इस धरती पर विस्तार है, इस धरती पर परिवर्तन है, इस धरती पर अनेक रूपताएं हैं। उसमें कोई एक चीज है जो अलग अलग होकर बट रही होती है, एक चीज। धीरे से जैसे ही वसंत के समय पल्लवों की ओट में से बौर और धीरे से एक तिल जितने आकार का एक रूप बौर में से, उस समय गुठली भी है, रस तंतु और उसके भीतर पूरा रसाल जैसे आम कहते हैं प्रकट हो रहा होता है, तब गुठली और उसका कवच छिलका जिसे कहें और उसका रस एक साथ पक रहा होता है। धीरे 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 करके वो पक रहे होते हैं और फिर पूरे पक जाने के बाद उनमें एक विलगता भी दिखती है जब उन्हें हम ग्रहण करते हैं। रस, छिलका, गुठली, ये तीन चीजें फिर अलग हो गई जब हमने ग्रहण किया। लेकिन जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करते, छिलका अलग, रस अलग, गुठली अलग, ऐसा नहीं है, एक साथ है वो। इस जगत को जब ढूंढने चलोगे तो इसमें जगन्नाथ पसरा हुआ मिलेगा। जगत में कोई और नहीं है, केवल जगन्नाथ है, और वो भी यहां अकेला नहीं है, पूरी भद्रता के साथ, बलभद्रता के साथ। और केवल बल नहीं चाहिए, सुभद्रा भी चाहिए। बल कई बार व्यक्ति को प्रभावित तो कर देता है, आतंकित भी कर सकता है, उसमें असुरक्षा की भावना भी पैदा कर सकता है, उसमें हीनता और दैन्य जगा सकता है। अगर अकेला बल है तो कई बार कोई एक अकेला बल किसी में दैन्य, किसी में अभाव, छोटापन, असुरक्षा की भावना, आतंक, और हो सकता है कि बड़ा दैन्य जगा दे। लेकिन वो बल हित के लिए है तो खंग भंग पाश भेरी भिंदीपाल विविध आयुध देवताओं के अस्त्र शस्त्र हमें कहां भयभीत करते हैं। वो दुर्गा की खड़ग और उनके उनका परुश अथवा उनकी पाश, उनका कोदंड, उनकी और जो भी अस्त्र शस्त्र के साथ अन्य विभूतियां हैं, उनसे हम कहां भयभीत होते हैं, उनसे हमें सुरक्षा मिलती है। तो यहां भद्रता है, पर वो हित के लिए है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।